बहुत ही यमी, टेस्टी और बिल्कुल आसान और थोड़े से टाइम में ही बन जाने वाली चक्की यानी गचक मूंगफली की बनाई है हमने। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो गाइस, ये मूंगफली है मेरे पास, इसको हम फटाफट से निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही मज़ेदार और इतनी आसान सी रेसिपी लेके आए हैं। ये पीनट है मेरे पास मूंगफली, इसको मैंने निकाल लिया है, इसके दो दो पीस कर लिए हैं। और ये गुड़ है मेरे पास, गुड़ मैंने कूट लिया है, इतना इतना बारीक कर लिया है यानी कि इसको मेल्ट होने में ज़्यादा देर ना लगे, इसको कूट लिया है। और ये प्लेट है, प्लेट को मैंने ग्रीस कर लिया है, पहले से ग्रीस करके रख लिया है। हम बना रहे हैं चिक्की यानी कि गचक, गुड़ वाली मूंगफली की गचक बनाएंगे। तो चलें जी शुरू करते हैं। फ्राई पैन में बनाएंगे, फ्राई पैन धो के मैंने चूल्हे पर रख दिया, चूल्हा चला दिया, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे बनाएंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। तो गुड़ हम डाल देंगे, यहाँ पर मैं 1 चम्मच पानी डालूंगी, ज़्यादा पानी नहीं डालना। बस इतना सा पानी डालेंगे, अभी हलाएंगे, हल्की हल्की आंच पे ही बनाना है। गुड़ पिघलना शुरू हो गया है, बस ये हल्के हल्के मोटे पीस है, बहुत ही धीमी आंच पे बनाना है इसको, क्योंकि गुड़ जल्दी नीचे लगना शुरू हो जाता है, अगर जल गया तो कड़वी कड़वी स्मेल आएगी। अभी इसको चेक करेंगे। पानी लिया है, ठंडे पानी में डाल के देखेंगे। इस तरह इसको, ये काफ़ी क्रंची हो गई है, इस तरह बहुत ही अच्छी बन गई है। अभी हम मूंगफली डाल देंगे। चलें जी मूंगफली डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए जी, ये बिल्कुल तैयार है, चूल्हा मैंने नीचे से बंद कर दिया है। अभी हम इसको प्लेट में फटाफट निकालेंगे, इसको ठंडा नहीं होने देना। तो जी मैंने प्लेट में निकाल लिया है, अभी ये गर्म है, हाथ से मैं ऐसे ऐसे करूँगी। अभी ये गर्म है, गर्म गर्म को हम पीस बना लेंगे, काट लेंगे। चलिए जी, ये छुरी है, छुरी के साथ हम छोटे छोटे इस तरह पीस काट लेंगे, गरम गरम को ही काटना है। पीस काट कर लिए हैं। सो गाइस, गच्चक हमारी बन के तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छी और मज़े की बनी है, जैसे कि बाजार जैसी होती है। ये देखिए कितना अच्छी बन गई है। आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और बहुत ही जल्दी और आसान ये रेसिपी है। अगर आपके पास घर में गुड़ नहीं है तो चीनी से भी ये तैयार हो सकती है, चीनी से भी बहुत ही अच्छी ये बन जाती है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।